केतन करूं तो भाई मैदान के अंदर यहां से आते हुए नजर आ रहे हैं। स्टार ओवी की तरफ से पहले ओवर यहां से फेंकते हुए नजर आएंगे गेंदबाज विवेक मात्रे। दो बड़े टीमों के बीच में यह टक्कर जरूर आप तीन दिन से हम आप इस टूर्नामेंट में देख रहे हैं, रन ज्यादा बनते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। 62 इस टूर्नामेंट का सबसे हाईएस्ट टोटल है। क्या वो टोटल आज के दिन में टूट पाएगा ये हम जरूर देखेंगे। खुला मैदान है पूरी तरीके से बल्लेबाजी के लिए, अच्छा मैदान। स्ट्राइक एंड के ऊपर अजय कड़ू, नॉन स्ट्राइक एंड के ऊपर केतन कड़ू। गेंदबाजी की भागदौड़ संभालते हुए गेंदबाज विवेक मात्रे, तेज तर्रार गेंदबाज टीम स्टार ओवे द्वारा। आज का नया साल का यह पहला दिन 2022 में तमाम दर्शकों का यहां से स्वागत करना चाहूंगा। अंपायर जी का यहां से इशारा आता हुआ ये मुकाबला शुरू होगा। मैंडेटरी पावर प्ले का यह पहला ओवर, गेंदबाज विवेक तैयार। लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट, पहले गेंद के ऊपर बड़ा हिट दागने की कोशिश। अजय कड़ू ने यहां से शुरुआत की आज के दिन की, नए साल की शुरुआत चौके के साथ। थैंक यू डीजे मास्टर। तो इस टूर्नामेंट का 114वां चौका और अजय कड़ू ने आज के दिन की शुरुआत और इस साल की शुरुआत चौके के साथ की है। जरूर अजय कड़ू इस साल का पिछले साल काफी फॉर्म में नजर आ रहे थे, लेकिन इस साल भी उसी तरीके की शुरुआत यहां से करते हुए नजर आ रहे हैं। अपील जरूर हो रही थी लेकिन यहां से अंपायर का किसी तरीके से डिसीजन नहीं आता है, किसी भी तरीके की रन नहीं है, ये डॉट गेंद की समाप्ति होती भी। जरूर अजय कड़ू इस साल मैन ऑफ द सीरीज की दो बाइसिकल जिनके नाम है और स्टार ओवे एक बड़ी टीम यहां से जानी जाती है। कल हमने देखा था सेमीफाइनल में परास्त हुई थी। इस बार अजय कड़ू के लिए ये गेंद, गेंदबाज द्वारा क्या शानदार कमबैक होता हुआ। पहली गेंद थोड़ी सी आगे डाली थी, उसके बाद एक अच्छा कमबैक, जड़ में यहां से गेंद फेंकने का काम कर रहे गेंदबाज विवेक मात्रे। मैंडेटरी पावर प्ले का यह पहला ओवर है। जरूर सुबह के सत्र में बल्लेबाजी करने वाली टीम को थोड़ा सा एडवांटेज यहां से रह सकता है, ड्यू फैक्टर मैदान के अंदर नजर आ रहा है। तो गेंद थोड़ी सी धीमी आएगी, जरूर यहां से गेंदबाज फिर एक बार तैयार रहेंगे विवेक मात्रे। तेज तर्रार गेंदबाज और उसी तरीके की गेंदबाजी होती हुई नजर आ रही है। फिर एक बार गेंदबाज तैयार, इस बार स्टेप आउट हुए थे लेकिन गेंद और बल्ले का ठीक से संपर्क नहीं हुआ और यहां से विकेट नंबर एक होगा मैदान से बाहर। बड़ी मछली जाल में फंसते हुई अजय कड़ू बैक टू द पैवेलियन। पहले गेंद के ऊपर चौवा आया था, उसके बाद गेंदबाज द्वारा क्या शानदार कमबैक होता हुआ। लगातार दो गेंदे डॉट और तीसरी गेंद के ऊपर अजय कड़ू इस तगड़े बल्लेबाज को मैदान से किया बाहर। शानदार यहां से गेंदबाजी होती हुई विवेक मात्रे द्वारा। नए बल्लेबाज राकेश पाड़ेकर लेफ्ट हैंड बल्लेबाज यहां से नजर आएंगे। लेफ्टी राइटी का ये कॉम्बिनेशन जरूर चिंद्रन टीम एक रणनीति के साथ यहां से खेलते हुए नजर आ रही है। गेंदबाज विवेक मात्रे फिर एक बार यहां से तैयार रहेंगे। टीम की रन संख्या स्कोर कार्ड के ऊपर 4 रन यहां से लगते हुए इस बार कट कर दिया इस गेंद को पॉइंट क्षेत्र में। खराब फील्डिंग, गेंद जाएगी डीप पॉइंट क्षेत्र में। यहां से 2 रन पूरे किए, क्या होगा तीसरा पूरा और गुड रनिंग बिटवीन द विकेट। देखते ही देखते यहां से 3 रन पूरे होते हुए क्या शानदार रनिंग दिखाई दो बल्लेबाजों द्वारा। इन 3 रनों की मदद से टीम की रन संख्या में यहां से होगा इजाफा, 7 रन स्कोर कार्ड के ऊपर लगते हुए नजर आ रहे टीम रोशन शाही आर्या 11 चिंद्रन के। जरूर टॉस गंवाने के बाद बल्लेबाजी करने का फैसला इनके ऊपर आया और अच्छी बल्लेबाजी होती भी, एक विकेट जरूर खोया है लेकिन 7 रन अभी तक स्कोर कार्ड के ऊपर लगते हुए। गेंदबाज विवेक मात्रे पहले गेंद के ऊपर चौका खाया था, उसके बाद एक अच्छा कमबैक करते हुए भी यहां से नजर आ रहे हैं। फिर एक बार
विवेक की ये गेंद कट कर दिया पॉइंट क्षेत्र में, खिलाड़ी तैनात है, तू तू मैं हुई थी लेकिन खराब थ्रो, और यहां से मिलेगी ये सिंगल। इसी के साथ पहले ओवर की समाप्ति होगी। एक ओवर की समाप्ति के बाद टीम रोशन साई आर्या 11 चिंद्रन की रन संख्या 8 रन एक विकेट के नुकसान पर। माझी उभी पाठीशी करीते सांभाळ, वाऱ्या पाण्याशी झुंजतो आम्ही तरी बी जगतो मानान, चला करूया धमाल होऊन बेभान जल्लोष हौसचा। थँक यू डीजे मास्टर, निरोप देऊन स्वागत वर्षाचा, विश यू हॅपी न्यू इयर। सर्वांना पुन्हा एकदा नवीन वर्षाच्या शुभेच्छा देऊया। आमचे उपस्थित मान्यवर सन्माननीय दिनेशजी पाटील साहेब यांचं या ठिकाणी आगमन झालंय, या स्पर्धेच्या माध्यमातून त्यांचं सहर्ष स्वागत करतोय। तर पहिले ओव्हर की समाप्ती के बाद टीम की रन संख्या स्कोर कार्ड के ऊपर बनती हुई 8 रन एक विकेट जरूर खोया टीम चिंद्रन ने। नए गेंदबाज यहां से आएंगे नाजिम पटेल, जरूर नाजिम नाम बहुत बड़ा है टेनिस क्रिकेट में, नाजिम गुल्ली फिर की बात, इनका भी जरूर मैं नाम लूंगा। नासिम पटेल यहां से तैयार रहेंगे, राइट आर्म ओवर द विकेट, ये शॉर्ट पिच की गेंद थी, अपील यहां से जरूर हो रही है लेकिन अपील में उत्साह ज्यादा नजर आ रहा है। अंपायर का यहां से इशारा था वा नॉट आउट, इस गेंद के ऊपर रन नहीं, डॉट गेंद की यहां से समाप्ति होती भी 8 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। दूसरा ओवर प्रगति पथ पर गेंदबाज नाजिम पटेल का, इस मैदान के ऊपर 62 रन हाइएस्ट टोटल है और जरूर आज के दिन में वो टोटल यहाँ से क्या टूटता हुआ नजर आएगा ये हम जरूर देखेंगे। फिर एक बार इस बार लोवर फुल टॉस की ये गेंद थी, काउ कॉर्नर क्षेत्र को यहाँ से चुना था बल्लेबाज केतन कड़ू ने, केतन कड़ू के बल्ले से आता हुआ ये शानदार दन दनाता हुआ चौका। सन्माननीय किरणजी पाटील यांचं देखील या ठिकाणी आगमन झालंय, या स्पर्धेच्या माध्यमातून सहर्ष स्वागत आहे। तो केतन कडू एक बड़ा नाम है चिंद्रन प्रीमियर लीग में, 2 शतक लगाने वाले ये खिलाड़ी है। फिर एक बार इस बार अच्छी गेंद, अपील हो रही है, अंपायर की उंगली खड़ी यहां से होती हुई, विकेट नंबर 2 यहां से होगा मैदान से बाहर बल्लेबाज केतन कडू। जरूर अंपायर यहां से सलाह मशवरा करते हुए नजर आएंगे। सन्माननीय नितेश जी पाटील साहेब यांचे या ठिकाणी आगमन झाले, त्यांचं देखील स्वागत करतोय। तो जरूर बैट कट थी, 2 अंपायर्स के बीच में सलाह मशवरा हुआ, उसके बाद ये नॉट आउट करार दिया। इस गेंद के ऊपर मिलेगी सिंगल रन, टीम की रन संख्या स्कोर कार्ड के ऊपर 13 रन यहां से लगते हुए। जरूर रोशन साई स्पोर्ट टीम अब कहीं ना कहीं खुशी में नजर आएगी क्योंकि इनका मेन बल्लेबाज अभी तक क्रीज के ऊपर है, गेंदबाज नाजिम पटेल फिर एक बार तैयार रहेंगे। इस बार एक और फुल टॉस गेंद की थी, अच्छी फील्डिंग वहां पर देखने को मिली, सिंगल पूरा किया, दूसरा चिराने की जरूर चेष्टा कर रहे थे लेकिन यहां से नकारा, सिंगल के साथ दोनों बल्लेबाज संतुष्ट होते हुए इस सिंगल की मदद से टीम की रन संख्या स्कोर कार्ड के ऊपर एक विकेट के नुकसान पर 14 रन। गेंदबाज नाजिम पटेल अच्छी गेंदबाजी करते हुए नजर आ रहे, पहला मैंडेटरी ओवर फेंका था विवेक भात्रे ने, 8 रन खर्च किए थे और मैंडेटरी पावर प्ले में 8 रन उतने ज्यादा नहीं है, एक सफलता भी जरूर मिली थी। उसके बाद नाजिम पटेल इन्होंने जरूर 6 रन अभी तक खर्च किए। फिर एक बार शॉर्ट पिच गेंद, इस बार जरूर अंपायर का इशारा आता हुआ ये वाइड गेंद, अतिरिक्त रन यहां से मिलेगी टीम तो ये अंपायर्स यहां से डिसीजन देंगे। थर्ड अंपायर यहां पर रिव्यू लेते हुए, रिव्यू अंपायर ही ले सकते हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है, किसी भी टीम को रिव्यू दिया नहीं जाएगा। 24 साईप्रीत लाइव के द्वारा इस टूर्नामेंट का जरूर लाइव प्रक्षेपण दिखाया जा रहा है, अच्छी क्वालिटी यहाँ से देख सकते हैं। यस ये हाथ को लगी है गेंद, यानी कि
ये डॉट गेंद रहेगी, किसी भी तरीके की रन इस गेंद के ऊपर रही है। अच्छी क्लियरिटी और अच्छी क्वालिटी यहाँ से आप देख सकते हैं साई प्रीत लाइव द्वारा। टीम की रन संख्या स्कोर कार्ड के ऊपर 14 रन। इस बार ये गेंद मिड विकेट क्षेत्र में इस गेंद को खेला, सिंगल ही रन मिलेगा। सिंगल की मदद से टीम की रन संख्या बढ़ती हुई नजर आएगी, 15 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। इसी के साथ दो ओवर की समाप्ति के बाद 15 रन एक विकेट के नुकसान पर टीम चिंद्रन। जरूर साईप्रीत लाइव इस टीम ने कुछ दिन पहले 1.5 लाख सब्सक्राइबर पूरे किए, उनको भी यहाँ से हम शुभकामनाएं देंगे। दो ओवर की समाप्ति के बाद टीम की रन संख्या स्कोर कार्ड के ऊपर 15 रन। नए गेंदबाज विवेक खुद की दूसरी और टीम की ओर से तीसरी ओवर फेंकते हुए यहाँ से नजर आएंगे विवेक मात्रे। अब कहीं ना कहीं बल्लेबाज खुलकर खेलेंगे। दो ओवर में टीम की रन संख्या 15 रन। गेंदबाज विवेक मात्रे फिर एक बार तैयार रहेंगे, लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए स्ट्राइक एंड के ऊपर बल्लेबाज केतन कडू। फिर एक बार केतन कडू के लिए ये गेंद स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड, इस शॉट को खेला था, सिंगल रन यहां से मिलते हुए। और जरूर यहां से केतन कडू चाहते थे कि दूसरा रन चुराओ, लेकिन बल्लेबाज ने नकारा। सिंगल रन के साथ दोनों बल्लेबाज यहां से संतुष्ट बनते हुए नजर आए। टीम की रन संख्या 16 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। एक सफलता जरूर पाई टीम ओवे ने, जो बल्लेबाज अजय कडू मैदान से बाहर हुए थे। इस बार स्ट्राइक एंड के ऊपर राकेश पाड़ेकर, 4 रन अपने टीम के लिए अभी तक जुड़ा है इस खिलाड़ी ने। फिर एक बार गेंदबाज तैयार रहेंगे विवेक। विवेक की ये शॉर्ट पिच गेंद पुल किया इस गेंद को, और पुल होता हुआ सक्सेसफुल पावरफुल, वन बाउंस के साथ गेंद जाएगी सीमा रेखा के बाहर। थैंक यू डीजे मास्टर। आज डीजे नितिन तमाम दर्शकों के दिल जीतते हुए नजर आएंगे, लेकिन यहां से गेंदबाज का कमबैक नजर आता हुआ। चौका खाने के बाद तुरंत गेंद जड़ में फेंकी थी गेंदबाज विवेक मात्रे ने। एक और डॉट गेंद की यहां से होगी समाप्ति। टीम की रन संख्या 20 रन स्कोर कार्ड के ऊपर लगती हुई नजर आ रही है। गेंदबाज विवेक मात्रे पहला ओवर फेंका था, 8 रन खर्च किए थे। दूसरा ओवर नाजिम पटेल ने फेंका था, 7 रन खर्च किए थे। और ये तीसरा ओवर यहां से फेंकते हुए नजर आ रहे हैं, और इस दिन का आता हुआ ये पहला लंबा लॉन्ग ऑन की ऊपर से बल्लेबाज राकेश पाड़ेकर द्वारा छक्का। तो इस टूर्नामेंट का ये 91 छक्का दागते हुए बल्लेबाज राकेश पाड़ेकर। इस बार ये गेंद जैसे ही छक्का आया गेंदबाज दिशा से भटकते हुए नजर आ रहे हैं। ये प्रेशर और दबाव होता है मैदान के अंदर। गेंदबाज विवेक मात्र यहां से प्रेशर में नजर आ रहे हैं, वाइड यहां से फेंकते हुए। टीम की रन संख्या स्कोर कार्ड के ऊपर 27 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। गेंदबाज राकेश पाड़ेकर अब रंग में आते हुए नजर आ रहे। एक चौका खाया था, उसके बाद डॉट और ये छक्का आता हुआ। फिर एक बार इस बार एक और शानदार शॉट, लेकिन लॉन्ग ऑन क्षेत्र में खिलाड़ी तैनात है। यहां से विकेट नंबर 2 होगा मैदान से बाहर। राकेश पाड़ेकर बैक टू द पैवेलियन। तो नए बल्लेबाज रुपेश पाटिल नौ स्ट्राइक एंड के ऊपर नजर आएंगे। स्ट्राइक एंड के ऊपर जिस खिलाड़ी ने दो सेंचुरीज अपने नाम की थी चिंद्रन प्रीमियर लीग में, वो केतन कडू स्ट्राइक एंड के ऊपर। आज इस खिलाड़ी को अच्छा खेल
यहां से दिखाना होगा, जैसे ही मैंने कहा वैसे ही आता हुआ केतन कड़ू के बल्ले से डीप एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री लाइन से बाहर ये शानदार छक्का। तो ये काफी महंगा ओवर आता हुआ टीम 9191 स्टार ओवर के लिए 18 रन खर्च किए गेंदबाज विवेक मात्रे ने। जरूर इस ओवर में भी एक सफलता प्राप्त की है, लेकिन 18 रन काफी यहां से महंगे साबित होते हुए तीन ओवर के समाप्ति के बाद चिंद्रन टीम की रन संख्या यहां से बनते भी 11 के औसत से 33 रन। नए गेंदबाज तौसिफ पटेल यहां से आते हुए नजर आएंगे। स्ट्राइक एंड के ऊपर रुपेश पाटिल एक जबरदस्त खिलाड़ी है, छक्के और चौकों की अक्सर बरसात करते हुए कई बार देखा इस खिलाड़ी को। नॉन स्ट्राइक एंड के ऊपर केतन कड़ू जिन्होंने पिछले गेंद के ऊपर अपने इरादे स्पष्ट किए। इस बार ये गेंद जरूर शानदार गेंद फेंकते हुए आउटसाइड ऑफ स्टंप यॉर्कर यहां से फेंकते हुए नजर आ रहे रुपेश पाटिल के लिए ये गेंद तौसिफ पटेल। टीम की रन संख्या स्कोर कार्ड के ऊपर यहां से लगते हुए 33 रन। फिर एक बार तौसिफ पटेल तैयार राइट आर्म ओवर द विकेट। इस बार स्टेप आउट हुए थे, डीप एक्स्ट्रा कवर क्षेत्र में खिलाड़ी तैनात थे और यहां से विकेट नंबर 3 होगा मैदान से बाहर। रुपेश पाटिल बैक टू द पवेलियन। नए बल्लेबाज मैदान के अंदर यहां से आते हुए आविष्कार पाटिल। जरूर अच्छा शॉट खेला था लेकिन ज्यादा लंबाई नहीं नाप पाए बल्लेबाज रुपेश पाटिल। टीम की रन संख्या स्कोर कार्ड के ऊपर यहां से लगती हुई 33 रन 3 विकेट यहां से खोए टीम रोशन साई आर्या 11 चिंद्रन ने। स्ट्राइक एंड के ऊपर केतन कड़ू पिछली गेंद के ऊपर छक्का दागा इस खिलाड़ी ने। इस बार ये गेंद बैट का भारी किनारा लगता हुआ हवा में गेंद है और विकेट कीपर किसी भी तरीके की यहां से गलती नहीं करेंगे। विकेट नंबर 4 होगा मैदान से बाहर। बैक टू बैक ये दूसरा विकेट आता हुआ गेंदबाज तौसिफ पटेल के लिए। नए बल्लेबाज अभिषेक कड़ू यहां से आते हुए नजर आएंगे। नॉन स्ट्राइक एंड के ऊपर स्ट्राइक एंड के ऊपर बल्लेबाज आविष्कार पाटिल ऑन हैट्रिक गेंदबाज तौसिफ पटेल। इस बार यह फुल टॉस गेंद थी लेकिन उतना अच्छा शॉट नहीं खेला। लॉन्ग ऑन क्षेत्र में खिलाड़ी तैनात है, गेंद को उठाएंगे फेंकेंगे यहां से सिंगल रन आते भी। जरूर यहां से चेष्टा कर रहे दूसरे रन की लेकिन आखिरी वक्त में नकारा सिंगल रन इस गेंद के ऊपर मिलते हुए सिंगल के मदद से टीम की रन संख्या स्कोर कार्ड के ऊपर 34 रन। मेरे साथी स्कोरर प्रेम पाटिल बाजे पूरी तरीके से इस मैच का आंखों देखा हाल लिखते हुए उनका भी हम स्वागत करेंगे। कौन सी गेंद के ऊपर कितने रन आ रहे, कितने छक्के हुए, कितने चौके हुए थे, हर चीज का यहाँ से हिसाब किताब रखते हुए एक अच्छे स्कोरिंग की भूमिका में। इस बार ये गेंद फिर एक बार आउटसाइड ऑफ स्टंप यॉर्कर फेंका था। एक और यहां से डॉट गेंद फेंकते हुए गेंदबाज तौसिफ पटेल। इस डॉट गेंद के साथ टीम का टोटल वही पर रुकता हुआ नजर आएगा 34 रन। 4 विकेट जरूर खोए टीम चिंद्रन ने, 34 रन बनाए। इस ग्राउंड में उतने रन बनते हुए नजर नहीं आ रहे। फिर एक बार
इस बार अच्छा शॉट लॉन्ग ऑफ क्षेत्र में खिलाड़ी यहां से तैनात थे। सिंगल के साथ दोनों बल्लेबाज यहां से संतुष्ट बनते हुए चार ओवर की समाप्ति के बाद पहले बल्लेबाजी करते समय रोशन साई आर्या 11 टीम का टोटल 35 रन। थैंक यू डीजे मास्टर। तो चार ओवर की समाप्ति के बाद टीम रोशन साई आर्या 11 का टोटल 35 रन। नए गेंदबाज सोपन भोईर लेफ्ट हैंड ओवर द विकेट यहां से गेंदबाजी करते हुए नजर आएंगे। सामने बल्लेबाज अभिषेक कडू स्ट्राइक एंड के ऊपर। अंपायर रमेश पवार जरूर टेनिस क्रिकेट का बड़ा नाम है और आज उनका तीसरा मुकाबला है, आज खेलते हुए भी नजर आएंगे। ये डॉट गेंद की समाप्ति होती भी शानदार गेंदबाजी करते हुए टीम 9191 स्टार ओवे के गेंदबाज अच्छी गेंदबाजी होती हुई नजर आ रही है। ब्लॉक हॉल की गेंदे इस मैदान इस पिच के ऊपर ज्यादा फेंकते हुए नजर आ रहे हैं। पहला ओवर विवेक मात्रे ने फेंका था, क्या शानदार ओवर, 8 रन खर्च किए थे। दूसरा ओवर नाजिम पटेल जिन्होंने 7 रन खर्च किए थे। तीसरे ओवर में विवेक मात्रे थोड़े से महंगे साबित हुए थे। इस बार ये गेंद फिर एक बार जड़ में फेंकी थी, हेलीकॉप्टर उड़ाने की कोशिश तो जरूर की थी लेकिन लैंड नहीं हो पाया। इस गेंद के ऊपर मिलेगी सिंगल रन, सिंगल के मदद से टीम की रन संख्या स्कोर कार्ड के ऊपर 36 रन यहां से बनते हुए। स्टॉक ओवर की गेंदबाजी कर रहे गेंदबाज सोपन भोईर लेकिन क्या शानदार गेंदबाजी होती हुई। अब कहीं ना कहीं चिंद्रन टीम के बल्लेबाजों को यहां से बड़े हिट दागने हो गए। जरूर सोपन भोईर पहली गेंद डॉट फेंकी थी, इस गेंद के ऊपर यहां से सिंगल मिलती हुई नजर आई। फिर एक बार सोपन तैयार, इस बार टप्पा थोड़ा पीछे रहा था और बल्लेबाज ने किसी भी तरीके की यहां से केयर नहीं की। इस गेंद के ऊपर यह छक्का आता हुआ, छक्के की मदद से टीम की रन संख्या में यहां से तेजी के साथ इजाफा होता हुआ 42 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। थैंक यू डीजे मास्टर। 6 नंबर 93 यहां से दागते हुए बल्लेबाज आविष्कार पाटिल, टीम की रन संख्या 42 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। अच्छी यहां से बल्लेबाजी होती भी टीम चिंद्रन द्वारा। फिर एक बार गेंदबाज तैयार, इस बार फिर एक बार गलती करते हुए टप्पा बल्ले के बीचों बीच लगा और ये गेंद जाएगी लॉन्ग ऑन के ऊपर से बल्लेबाज अभिषेक के बल्ले से आता हुआ लगातार ये दूसरा छक्का। थैंक यू डीजे मास्टर। तो आविष्कार यहां से फायर होते हुए नजर आ रहे हैं। टीम की रन संख्या स्कोर कार्ड के ऊपर 48 रन। क्या से अब गेंदबाज महंगे साबित हो रहे हैं। सोपन भोईर जिनके मैं तारीफ कर रहा था, पहली दो गेंदे जड़ में फेंकी थी, बल्लेबाज को पूरी तरीके से जकड़ कर रखा था, उसके बाद स्ट्राइक एंड के ऊपर आए बल्लेबाज आविष्कार पाटिल और लगातार दो गेंदों के ऊपर दो छक्के दागे। टीम पूरी तरीके से फॉर्म में नजर आ रही है इस साल में चिंद्रन। गेंदबाज फिर एक बार तैयार रहेंगे सोपन भोईर, लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट और यहां से आता हुआ लगातार का ये तीसरा छक्का। बल्लेबाज आविष्कार हावी होते हुए नजर आ रहे इस मैदान के ऊपर। थैंक यू डीजे मास्टर। 6 नंबर 95 क्या शानदार बल्लेबाजी होती भी आविष्कार पाटिल द्वारा, लगातार तीन छक्के दागे। अपनी टीम कहीं ना कहीं संकट में फंसी थी और उस टीम को अब संकट मोचक की भूमिका में नजर आ रहे आविष्कार पाटिल।
टीम की रन संख्या स्कोर कार्ड के ऊपर 54, इस मैदान के ऊपर 62 रन सबसे हाईएस्ट टोटल है। इस बार लंबाई ज्यादा ऊंचाई भी ज्यादा नजर आ रही है, ये गेंद जाएगी बैक टू बैक, ये चौथा छक्का तबा आविष्कार पाटिल द्वारा 60 रन स्कोर कार्ड के ऊपर और 61 रनों का पीछा करना होगा 9191 स्टार ओवे के बल्लेबाजों को। थैंक यू डीजे मास्टर। नेक्स्ट मैच जरूर अपटा बनाम वाकड़ी के बीच में होगा, जरूर ये तीसरा मैच था लेकिन आज के दिन में ये दूसरा मैच खेलते हुए नजर आएंगे। लॉर्ड्स के हिसाब से ये मुकाबले खिलाए जाएंगे। खार कोपर और उसारली टीम, इनका दूसरा मैच था लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से वो तीसरा मैच खेलते हुए नजर आएंगे। नेक्स्ट मैच के लिए अपटा टीम के कप्तान और वाकड़ी टीम के कप्तान से मैं बुलाना चाहूँगा, टॉस के लिए आपको यहाँ से आना है। ज़रूर वाकड़ी टीम के कप्तान रमेश पवार सुबह के सत्र से यहाँ पर है, उनका भी हम ज़रूर स्वागत करेंगे। 30 गेंदों में 61 रनों का पीछा करना है और वो पीछा किस तरीके से होगा इसका आगे एक आंखों देखा हाल सुनाएंगे मेरे साथी कॉमेंटेटर मैन फ्रॉम जोए अमित मात्रे सर। हेलो, धन्यवाद अमित पाटील मैनपम तारा यांचा सुमधुर आवाज आपण ऐकलात। जमलेल्या तमाम प्रेक्षकांचं आम्ही हार्दिक स्वागत करतोय। नवीन वर्षाच्या सर्वांना खूप खूप शुभेच्छा। हा वर्ष आपल्याला आनंदाचा भराटीचा जाओ, आपली चांगली प्रगती हो, हीच ईश्वरजननी प्रार्थना करतोय आणि मैदानाकडे वळतोय। आमचे डीजे ऑपरेटर नितिन पाटील मॅनपम धोंद्रे यांच्या समवेत त्यांचे सुपुत्र बघा, म्हणूनच असंही म्हटलं जातं की राजहंसाच्या पिढ्यांना पाण्यात पोहायला सांगायची काही जरूरत नाही, ती आपोआप शिकली जातात। इथं मात्र चांगल्या पद्धतीनं आमच्या नितीनजी यांचा चिरंजीवसुद्धा या ऑपरेटिंगचा आनंद घेतोय। आपटा वर्सेस वाकडी दोन्ही कॅप्टनला विनंती असेल आपण टॉससाठी लगेच जायचं आहे। स्वर्गीय जितेंद्र पाटील स्मृतिचषक 2021 और 2022 का ये सुमधूर जानदार शानदार आयोजन मॅच सुरू होणे जारी पहिली गेम। तो शिव पटेल के लिए और इसी मैच हक्का बक्का धूम धड़का और पहले बॉल पे मार दिया छक्का, गेंद तारामंडल में। देखिए तौशिप पटेल जी ने केतन कड़ू का स्वागत किया छक्के के साथ, मैंडेटरी पावर प्ले चल रहा है। दूसरी गेंद तौशिप के लिए इसी बिग डी बैक और मंडन के बाहर गोली गिरफ्तार से गेंद गई है। हमारे रायगढ़ एसोसिएशन के सलाहकार और हिंदी के मशहूर कमेंटेटर जहीर पटेल साहब जब बैठे हुए उन्हें कहने के लिए वेलकम स्वागत। पटेल जी काफी लय में आए, धुआंधार बल्लेबाज है, आक्रामक खिलाड़ी है, क्रिकेट का एक्सपीरियंस लेके इस सलामी बल्लेबाज ने देखिए दो गेंदों के ऊपर जैसा कड़ा प्रहार संघर्ष में बल्लेबाजी किया और पावर प्ले का फायदा उठा दिया। इस गेंदबाज केतन कड़ू के ऊपर हमला जारी कर दिया। तीसरी गेंद
ये देखिए इस बार ब्लॉक अल्ट में डाली हुई गेंद थी। क्रिकेट का ये ब्रह्मास्त्र अनादिकाल तक चलने वाला है और इसे खोद के निकाल दिया हल्के हाथों से। इस बार एक सिंगल मिलेगा ऑफ साइड के ऊपर, मगर एक सिंगल के साथ या ओवर स्टार टीम का स्कोर पहुंचा है 11 के घर में। जीतने के लिए यहां 5 ओवर में रन चाहिए, 61 रन चाहिए। कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन आसान बनाने की हिम्मत चाहिए। एक खिलाड़ी शॉट थर्ड मैन, एक गली, एक कवर पॉइंट के क्षेत्र में है और एक कवर और एक मिड ऑफ के ऊपर। इस बार ड्राइव कर दिया, स्ट्रेट ड्राइव। क्रिकेट का जबरदस्त हिस्सा आता है। लिटिल मास्टर सुनील मनोहर गास का साहब जी की आती लाई, लेकिन बढ़िया स्ट्रोक। एक सिंगल मिलेगा, एक सिंगल के साथ स्कोर पहुंचा है 12 के घर में। स्वर्गीय जितेंद्र पाटिल स्मृति चषक 2021-22 के सुमधुर आयोजन नियोजन, चमकदार ट्रॉफी ऑन साइड के ऊपर। 3 खिलाड़ी, एक मिड ऑन है, एक शॉर्ट मिड विकेट है और शॉर्ट फाइन लेके। 2 खिलाड़ी सर्कल के बाहर है, एक खिलाड़ी लॉन्ग ऑफ के ऊपर है, एक खिलाड़ी लॉन्ग ऑन के ऊपर है। तौशिक पटेल व्यक्तिगत 11 रन पे खेल रहे, एक छक्का, एक बाउंड्री, एक सिंगल के सहायता से। इस बार विशाल की पट्टी के ऊपर सुंदर बल्लेबाजी चल रही है। केतन कड़ू की गेंद और ये उड़ाया, लेकिन टाइमिंग चूका है। शॉर्ट मिड विकेट खिलाड़ी गलती नहीं करेंगे, बड़ी मछली जाल में फंस गई है। जिस विकेट की तलाश थी इस बार देखा जाए, वही विकेट ढूंढ के निकाल दिया है जो चिंद्रन टीम ने। और तौशिक पटेल जैसे एक आक्रामक बल्लेबाज के पारी का खात्मा होता हुआ 11 रन बना के वापस आ रहे और 12 पे पहला झटका स्टार ओवी टीम को। नए बल्लेबाज मैदान के अंदर समरा पटेल जा चुके, वन डाउन बैट्समैन। तौशिक पटेल की जगह संभालने के लिए अकीब पटेल 1 रन पे खेल रहे हैं और सफलता मिली केतन कड़ू को, सफलता मिली चिंद्रन टीम को। राइट मोर्ड विकेट, ये फुल टॉस गेंद थी, इसे खेल दिया है। इस बार देखा जाए डीप एक्स और बाउंड लाइन के बाहर गोली की रफ्तार से गेंद चली गई है सीमा रेखा का दर्शन लेने के लिए, नंदन करती हुई 4 रन। भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। भर दो झोली मेरी या बिल्कुल बेहतरीन सिचुएशन के ऊपर के ऊपर ये नितिन डीजे बेहतरीन गाने लगा रहे, लेकिन बाउंड्री के साथ स्कोर पहुंचाए 16 के घर में। जहां बल्लेबाज या अकीब पटेल व्यक्तिगत 5 रन पे पहुंचे हैं, पहला मैंडेटरी ओवर खत्म हो चुका है, तो जीतने के लिए अभी तक मेरे हिसाब से यहां रन चाहिए, 45 रनों की जरूरत है। 24 गेंदों में 45 रन चाहिए। गेंदबाजी की जिम्मा संभालने के लिए निकेश गढ़िया आए हैं, जिनके पास काफी अच्छा क्रिकेट का एक्सपीरियंस है, लेकिन पहली दफा गेंद को खेलने जा रहे समरा पटेल दाएं हाथ के बल्लेबाज हैं। अच्छी गेंद थी, लेकिन थोड़ी सी गेंद दिशा से भटकती हुई, वाइड का इशारा अंपायर की तरफ से। तो अतिरिक्त रनों के साथ स्टार ओवर टीम का स्कोर आगे बढ़ता, स्कोर पहुंचा है 17 के घर में। साई प्रीत लाइव इनके माध्यम से आप जरूर इस स्वर्गीय जितेंद्र पाटिल स्मृति चषक ट्रॉफी का आनंद ले सकते हैं और तमाम दर्शक हमारे सामने, उन तमाम दर्शकों का हम हार्दिक स्वागत कर रहे हैं नए साल के लिए भी। निकेश की ये गेंद थी, लेकिन इसी बीच इस बार देखा जाए इस बल्लेबाज को उन्होंने शायद थोड़ा सा मिस किया और गेंद बल्ले का कोई संपर्क हुआ नहीं है, डॉट गेंद चली गई है। तो बिल्कुल इस हालात में को रुका हुआ है 17 के घर में 17 पे। साई प्रीत लावी के मालिक चंदू वाघमारे, जो उन्होंने अभी फोन किया है, लेकिन यहाँ दिशाहीन भटकती हुई गेंदबाजी चल रही है। अपने पास गति है, लेकिन अपने पास दिशा नहीं तो आपकी दशा है। 2 गेंदे वाइड फेंकी है गेंदबाज निकल गए ने, मगर अतिरिक्त रनों के साथ स्कोर आगे जाता, स्कोर पहुंचा है 18 के घर में। बढ़िया आयोजन नियोजन चल रहा है, आप सभी लोग देख रहे हैं संदेश जी शेड़ के, साई प्रीत लावी इनके माध्यम से पूरी तरह से ऑपरेटिंग कर रहे हैं।
और काफी दबदबा उन्होंने इस महाराष्ट्र के अंदर मजबूती के साथ किया है, क्लियरिटी के साथ, क्वालिटी भी बहुत अच्छी सुंदर है। लेकिन यहां दो गेंदे वाइड आ चुकी है समारा पटेल। इस बार देखिए गैप ढूंढी हुई है, भाग गई गेंद। इस बार देखा जाए थर्ड मैन और पॉइंट के बीच से सीमा रेखा का दर्शन देने के लिए जमीन को चूमती हुई गेंद, चार रन। तू लाख करे रखवाली, उड़ जाएगा एक दिन पंछी, रहेगा पिंजरा खाली। उड़ जाएगा एक दिन पंछी, रहेगा पिंजरा खाली। उड़ जाएगा। बाउंड्री के साथ समारा पटेल ने खुद का खाता ओपन किया। ये आवाज आप सभी ने सुना, कव्वाली का मशहूर आवाज, महाराष्ट्र के दिवंगत गायक प्रहलाद शिंदे साहब जी का ये आवाज सुना आपने। उड़ाया, खिलखिली चंपा, खुश हुए लंबा, देखो पेड़ लंबा, छक्के मारा खंबा, खटैक ठोक। बिल्कुल 33 स्कोर। टॉस करने के लिए आया आपका टीम और देखिए काफी लंबा मिड विकेट के ऊपर छक्का देखने को मिल चुका है। देखिए लड़के के ऊपर इस बार भाग गई, कोई चांसेस नहीं है। शॉट थर्ड मैन खिलाड़ी को डीप करती हुई गेंद चली गई, डीप थर्ड मैन बाउंड लाइन के बाहर, नंबर आया चार, ठोकम ठोक। उड़ी उड़ी जाए दिल की पतंग, देखो उड़ी उड़ी जाए, उड़ी उड़ी जाए, उड़ी उड़ी जाए दिल की पतंग। हाँ 32 स्कोर पहुंचा है, क्या बैटिंग चल रही है इस बार वन डाउन बैट्समैन समारा पटेल की माफ कीजिए, वाकड़ी कप्तान और आपका कप्तान। टॉस करने के लिए तुरंत हमारे मंच के ऊपर आइए, आपको मैं दूसरा पुकार दे रहा हूं। वाकड़ी कप्तान उपस्थित है तो आपका कप्तान तुरंत आइए। निकेश गड़गे हमला जारी कर दिया गेंदबाज के ऊपर, ये देखिए थोड़ी सी लाइन को देखा नहीं था लेकिन ये गेंद ज्यादा बाहर गई है, व्हाइट का इशारा आया। खराब गेंदबाजी का प्रदर्शन चल रहा है, नियंत्रण भरी गेंदबाजी नहीं चल रही है। यहाँ निकेश गड़गे ने थोड़े से कप्तान को निराश किया, टीम को निराश किया है क्योंकि इस ओवर में थोड़ी सी मार भी पड़ी है। लेकिन समरा पटेल व्यक्तिगत पहुंचे 14 रन पे, एक छक्का तो बाउंड्री की सहायता से स्टार ओवी टीम का स्कोर पहुंचा है 33 के घर में, एक विकेट के नुकसान पे। तो शिव पटेल 11 नंबर के वापस ड्रेसिंग रूम में। अगली गेंद ये उठाया लेकिन लॉन्ग ऑफ, खिलाड़ी मौजूद है लॉन्ग ऑन के ऊपर, जहां बढ़िया सेत्रक्षण हुआ मगर एक सिंगल मिलेगा और एक सिंगल के साथ स्टार ओवी टीम का स्कोर पहुंचा है 34 के घर में। 34 जब आंकड़ा आता है तो याद आती है हमारे भारत के भूतपूर्व कप्तान रिटायर मास्टर सुनील मनोहर गावस्कर साहब जी के 34 शतकों की। सर डॉन ब्रैडमैन का रिकॉर्ड तोड़ने वाले कौन है, हमारे मुंबई के रिटायर मास्टर सुनील मनोहर गावस्कर साहब है। सर रिचर्ड हेडली का 434 का रिकॉर्ड तोड़ने वाले कौन है, हमारे कपिल देव साहब हरियाणा के हैं। इस बार अच्छी गेंद थी, फुलर लेन की गेंद को खेला है ऑन ऑफ साइड के ऊपर जो मिड ऑफ क्षेत्र रक्षक दायरे के अंदर है, मगर एक सिंगल मिलेगा और अंपायर का इशारा है कि ये मैंडेटरी पावर पे दूसरा खत्म हो चुका है। तो दो ओवर के समाप्ति के बाद स्टार ओवी टीम का स्कोर पहुंचा है 35 यानी कि 35 के घर में, एक विकेट के नुकसान पे। पहले ओवर में 16 आए तो इस ओवर में रन बन चुके 19 रन आए हैं, थोड़ा सा ये ओवर महंगा साबित हुआ है। तो 18 गेंदें शेष और जीतने के लिए 26 रनों की दरकार है। आप सभी लोग देख सकते थे कि हमारे इस जो मैच की जो समरी है, संदेश शेल के साथ बता रहे हैं कि किस तरह से उनको किन किन खिलाड़ी जो खेल रहे, तो जरूर इस बार देखा जाए समरा पटेल जो व्यक्तिगत 5 गेंदों में 15 रनों का योगदान दे रहे, तौसीफ पटेल 4 गेंदों में 11 रन बना के आउट हो गए और यह अकीब पटेल 3 गेंदों में 6 रन पे खेले। स्टार ओवी टीम को जीतने के लिए 18 गेंदों में 26 रनों की दरकार है। स्वर्गीय जितेंद्र पाटिल स्मृति चषक 2021 और ये 22 का सुमधुर आयोजन नियोजन, 1 लाख की धनराशि है फर्स्ट प्राइज, सेकंड प्राइज है 50,000 की धनराशि, थर्ड प्राइज है 25,000 की धनराशि और फोर्थ प्राइज है 25,000 की धनराशि। मैन ऑफ द सीरीज जो फ्रीज है और बल्लेबाज गेंदबाज और क्षेत्र रक्षक के लिए ब्रांडेज जो सूज है। बढ़िया ये आयोजन, विजयी लक्ष्मी मैदान नेरे पनवेल रायगढ़ का ये काफ़ी खूबसूरत मैदान आप सभी लोग देख रहे हैं कि बॉलर आए राकेश और ये हवा में लाभ किया है लॉन्ग ऑफ, क्या बेहतरीन कैच पकड़ लिया, क्या जज की हवा में गेंद थी और इसी के साथ झटका लगा। बल्लेबाज जो वापस आ रहे इस बार देखा जाए, जिस विकेट की तलाश थी वही विकेट ढूंढ के निकाल दिया है।
यहाँ अकीब पटेल, माफ कीजिए अकीब पटेल वापस आ रहे जो व्यक्तिगत 6 रन बना के और 35 पे ओवे स्टार टीम को दूसरा झटका लगता हुआ। कम ऑन, और नए बल्लेबाज सोहेल पटेल 6 रन बना के वापस आए, दूसरा झटका लगा ओवे स्टार टीम को। लेकिन एक साइड से मैदान के अंदर डटी हुई बल्लेबाज है समारा पटेल की सुमधुर बल्लेबाजी, जिन्होंने 2 बाउंड्री, 1 छक्का, 1 सिंगल के साथ व्यक्तिगत अपनी टीम के लिए 15 रनों की नॉट आउट उनकी पारी चल रही है और यह जीतने के लिए 17 गेंदों में 26 रनों की दरकार है। जैसे गेंदबाज या राकेश पाड़ेकर को इस्तेमाल किया और उसी के साथ लगभग देखा उन्होंने सफलता हासिल किया। बिल्कुल साईप्रीत लायू, इनके मालिक चंदू वाघमारे, इनके तरफ से चंद्रन टीम के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। लेकिन जहां शॉट एक्स्ट्रा कोर खिलाड़ी ने गेंद को दायरे के अंदर फील्ड किया, 1 रन लेने में बल्लेबाज समरा पटेल कामयाब बने तो 1 सिंगल के साथ स्कोर पहुंचा 36 के घर में 36। जीतू 11 जयहनुमान क्रिकेट टीम और गावदे क्रिकेट टीम, थर्ड अंपायर की मांग हुई है तो तीसरे अंपायर जरूर जाएंगे प्रवीण जी चोरगे, एक जबरदस्त खिलाड़ी और क्रिकेट का उनके पास जबरदस्त अनुभव भी है। छकड़े शोकिंग आमचे सन्माननीय अतिथि अर्थात आमच्या मंचावर उपस्थित आहेत नितिन पाटील कोपरोली यांचे आम्ही स्वागत करतोय। चलते हम मैदान के अंदर, जीतने के लिए 16 गेंदों में 25 की दरकार है। लेकिन सोहेल पटेल पहली दफा गेंद को खेलने जा रहे हैं, एक शॉट थर्ड मैन, एक गली और शॉट एक्स्ट्रा कवर ऑफ साइड के ऊपर, ऑन साइड के ऊपर शॉट फाइन लेके और बाकी खिलाड़ी डीप में तैनात कर दिया। बैक फुट पर गए, इस बार देखा जाए बिल्कुल इस बार स्पेयर कट कर दिया है लेकिन कवर पॉइंट के ऊपर खिलाड़ी तैनात है। जहां एक सिंगल मिलेगा और सिंगल के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता, स्कोर पहुंचा है 37 के घर में। एक सिंगल के साथ सोहेल पटेल ने खुद का खाता ओपन किया, स्टार ओवे टीम का स्कोर आगे बढ़ता, स्कोर 37 के घर में। अपटा आणि वाकडी दोन्ही कॅप्टन आपण टॉस साठी लगे जायचं आहे, ते वाकडी संघ उपस्थित आलेले आहेत तर आपण टॉस करून घ्या। आमच्या आयोजकांना आम्ही विनंती करतोय की आपल्या शुभ हस्ते आपण टॉस करून घ्या। सन्माननीय संभाजी मस्कर साहेबांना विनंती असेल की आपल्या शुभ हस्ते आपण टॉस करून घ्या। उलटा बल्ला चालने का प्रयास किया था, सीधे बल्ले से शानदार काम हो रहा है लेकिन ये कहते हैं ना कि मोह आने के बाद दिवस सिर्फ खेलने गए बल्लेबाज लेकिन कामयाबी हासिल नहीं। अच्छी गेंद यहाँ राकेश पाड़ेकर की, चकमा दिया है समरा पटेल को। ये लेग स्टंप के बाहर जाती हुई गेंद, अंपायर पवार जी ने उसे वाइट घोषित किया। एक सिंगल के साथ स्कोर आगे बढ़ता, स्कोर पहुंचा है 38-38 के घर में। ये हमारे जो स्कोरर हैं जो प्रेम पाटिल वाजे और इस बार ऑन साइड के ऊपर गैप में गेंद जरूर है लेकिन डीप बैकवर्ड स्क्वायर ले खिलाड़ी गेंद को उठाने जा रहे, इसी के साथ यह दूसरा रन पूरा कर दिया। बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट, चीते की चपलाई, लोमड़ी का दिमाग और बाल्च के नजर के साथ एक दूसरे का कॉल किया और इस भावी शॉट के पट्टी के ऊपर बढ़िया भागम भाग देखने को मिल चुका। 2 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता, स्टार ओवे टीम का स्कोर है 40 के घर में 2 विकेट के नुकसान पे। 13 गेंदे जीतने के लिए या 21 रनों की जरूरत है। समरा पटेल सुंदर बल्लेबाजी कर रहा है, समरा पटेल क्रॉस बैट से कपिल देव साहब की याद दिलाते हुए, ये काफी उनका शॉट बहुत अच्छा फेमस था लेकिन इसी बीच एक सिंगल मिलेगा, ओवर की समाप्ति हो जाती है। 3 ओवर के समाप्ति के बाद यहां स्टार ओवे टीम का स्कोर है 41-41 के घर में। पानी की मांग मैदान के अंदर हो चुकी है 2 विकेट के नुकसान पे, तो इस बार देखिए स्टार ओवे टीम को जीतने के लिए 12 गेंदों में 20 रन चाहिए, हर ओवर में रिक्वायर्ड रन रेट 10 का है। तो इस प्रकार समरा पटेल 19 रन पे खेल रहे और या सोहेल पटेल 1 रन पे खेल रहे, 41 स्कोर हो चुका है 3 विकेट के नुकसान पे, 2 विकेट मैदान से बाहर गए। मैच की आप समरी देख रहे, आप देखते रहे सुनते रहे शानदार जानदार स्वर्गीय जितेंद्र पाटिल स्मृति चषक 2021-22 का जबरदस्त आयोजन नियोजन लेके जाते हम डीजे के पास एक सुमधुर संगीत सुनने के लिए। Hey, look at it.
हाँ बिल्कुल, यहाँ शानदार सुमधुर ऑपरेटिंग हमारे नितिन पाटिल डीजे जो धुंधरे गांव के रहवासी है, लेकिन शानदार उनकी ऑपरेटिंग, शानदार उनकी साउंड सिस्टम और सच्चे दिल के इंसान है, हमेशा हमें याद करते रहते हैं और उनका भी बहुत हम शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि जो हमारे डायलॉग से उन्होंने बहुत पॉपुलर किया है, तो इस बार शायद नितिन आपके ऊपर हमेशा हमारा प्यार रहेगा। लेकिन हम चलते मैदान के अंदर जीतने के लिए, या 12 गेंदों में 20 का रिक्वायर्ड, रन रेट हर ओवर में 10 का है, लेकिन बॉलर आए हैं, इस बॉलर इज नेम तेजेश पाटिल, तेजेश पाड़ेकर, सम्रा पटेल 12 गेंदों में जीतने के लिए 20 रनों की जरूरत है स्टार ओवर टीम को, काफी दोनों तगड़ी टीम है, यह चिंद्रन बनाम स्टार ओवे हमारे यहाँ रायगढ़ एसोसिएशन के सलाहकार और हिंदी के मशहूर कमेंटेटर जहीर पटेल साहब मौजूद है, लेकिन हवा में ये गेंद है, लेकिन नो मैन्स लैंड में, और यहाँ डीप मिड विकेट खिलाड़ी गेंद को उठाने आए हैं, थोड़े से बैक फुट पर गए, इसके स्ट्रोक को जरूर खेला था, मगर एक सिंगल मिलेगा, एक सिंगल के साथ स्टार ओवे टीम का स्कोर है 42 के घर में। 11 गेंदें जीतने के लिए 19 रनों की जरूरत है, देखिए साईप्रीत लायू की क्लियरिटी जबरदस्त, हमारे यहाँ जो इस प्रकार जो कैमरामैन है उनका भी स्वागत है, बयालीस स्कोर, सोहेल पटेल क्या यार लट मारा है, आसमानी सुल्तानी छक्का और बॉलर भाव छक्का खटैक, डीजे लेट हो गए यार, टाइमिंग जाने के बाद बिल्कुल मजा नहीं, जब तक टाइमिंग है तब तक लड़की को पूछो हाँ जरूर बोलेगी तो इसी बीच इस छक्के के साथ स्कोर 48 के घर में 40, देखिए 99 का ये टूर्नामेंट का सिक्सर बाहर का है, लेकिन क्या सिक्सर लगा है, जैसे कही थे ना रडार में ये ओवर पिच वाली गेंद जैसी मिली और बल्ले के बीड़ों बील पार हो गई, बेहतरीन सोहेल पटेल का ये छक्का, काफी लंबा छक्का था, और 10 गेंदे 13 रन, शॉर्ट गेंद जरूर फेंकी थी लेकिन थोड़े बैक फुट पर गए, स्ट्रोक को खेला, लेकिन ये दूसरा रन के संभव में मना कर दिया यार सोहेल पटेल ने, एक रन मिलेगा और इसी के साथ लगभग देखा जाए तो स्टार ओवे टीम की 49 रन हो चुके बोर्ड के ऊपर, 50 बनाने के लिए टीम को एक रन की जरूरत है और जीतने के लिए 9 गेंदों में 12 रन चाहिए, थोड़ी सी वापसी भरी गेंदबाजी करना पड़ेगा चिंद्रन के गेंदबाजों को, क्योंकि एक सेट बल्लेबाज मैदान के अंदर चट्टान की तरह डटे हुए है, नाम इस बल्लेबाज का सम्रा पटेल, अगर स्टार इस बार स्कोर लेवल होता सर सुपर ओवर है, लेकिन पकड़ जाएंगे, इस बार टॉपेज लगा हुआ है, पकड़ लिया इस बार देखा जाए गली के फील्डर ने, और झटका लगा, बड़ी मछली जाल में फंसती हुई, जिस विकेट की तलाश थी वही विकेट ढूंढ के निकाल दिया है, सम्रा पटेल चले बैक टू द डगआउट और 49 रन पे तीसरा विकेट गिरता हुआ, इस बार देखा जाए क्या लय में खेल रहे बल्लेबाज को, इस बार देखा जाए इस गेंदबाज तेजेश ने चलता कर दिया विकेट नंबर 30 ड्रेसिंग रूम में, और महत्वपूर्ण पारी खत्म हो गई है, सम्रा पटेल ने यहाँ 11 गेंदों में 20 रनों का बहुमूल्य योगदान, एक जबरदस्त दमदार पारी खत्म हो गई है। हाँ धन्यवाद डीजे मास्टर, नहीं बल्लेबाज पहुंचे भी एक मात्री और उड़ाया, क्या यार मारा है छक्का यार, बेहतरीन मजा ड्रेसिंग रूम से ही, इस बार देखा जाए सोहेल पटेल सेट होके गए हैं और इसी के साथ ये 100वां छक्का लगा दिया टूर्नामेंट का, 6 रनों के साथ 50 भी पूरी हो गई, यानी कि 55 रन बोर्ड के ऊपर लगे, क्या ठोकम ठोक चल रही यार, ठोको सात गेंदे जीतने के लिए 6 रन, सोहेल पटेल 2 छक्के 2 सिंगल के साथ 14 पे पहुंचे, वाट बल्लेबाजी, क्या सिक्सर लगाए, एक तो उन्होंने छक्का जो मिड विकेट और लॉन्ग ऑन के बीच से जो लगाया ना खतरनाक यार, रोहित शर्मा जी की याद दिलाई, ये देखिए इस प्रकार देखा जाए थोड़ी सी गेंद बाहर है, वाइट का इशारा आया, खराब गेंदबाजी का मुजाहरा पेश करते हुए, और इस अतिरिक्त रनों के साथ स्कोर पहुंचा है 56 के घर में, 7 गेंदे जीतने के लिए 5 रन चाहिए, सम्रा पटेल जैसे बल्लेबाज मैदान से बाहर जाने के बाद कंधों के ऊपर जिम्मेदारी सोहेल पटेल ने ली,
तेजस फुल टॉस गेंद है लेकिन कह दिया विनिंग शॉट, महेंद्र सिंह धोनी स्टाइल से इस मैच को फिनिश कर दिया और अपने बलबूते भी इतना विश्वास लगा है कि ओवर स्टार के इस बल्लेबाज ने शानदार बल्लेबाजी किया। नाम है इस बार देखा है सोहेल पटेल, 3 छक्के 2 सिंगल के साथ से 20 रनों की दमदार नॉट आउट पारी खेली अपनी टीम के लिए, जीत हासिल किया। पहाड़ों से जो टकरा जाए उसे तूफान कहते हैं और तूफानों से जो टकरा जाए उसे युवान कहते हैं। मैच को जीता स्टार ओवर टीम ने, बढ़िया वेल प्लेड और हार्ड लग या देखा जाए चिंद्रन टीम।